दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गैले ग्लेटर और जफना किंग के बीच में होने वाले फर्स्ट T20 मैच का। अब आपको पता होगा कि LPL यानी कि लंका प्रीमियर लीग जो है वो कल से हो जाने वाला है स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से मैचेज होगा। और अगर इन दोनों टीमों को देखोगे तो पिछले साल के जो है दोनों टीमें ये जो है फाइनल खेली थी, जहाँ पे जफना जो है वो फाइनल जीत गया था। और पिछले साल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो पिछले साल में देखोगे तो जफना जो है पिछले साल के हिसाब से आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर बहुत अच्छा जो है देखने को मिलेगा। टीम देख लोगे कि एक एवरेज टीम था, लेकिन जब परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस दिया था पिछले साल, और उस परफॉर्मेंस को जो है वो कैरी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। गैले की बात करते हैं तो गैले भी जो है एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट ईयर दिया था, और एक बहुत ही अच्छा से जो है परफॉर्मेंस आपको करते हुए जो है ये गैले भी नज़र आ सकता है। और जिस तरह से प्लेयर्स जो है दोनों टीमों में भी आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे क्या क्या होने वाला है, कैसा जो है LPL रहने वाला है। तो वीडियो को जो है पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि LPL में BBL में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप विनर सेशन इन टीम में प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। और साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है लंका प्रीमियर लीग का पहला मैच होने वाला है। टाइमिंग जो होगा होगा 3:30 होगा इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा संडे को खेला जाएगा, यानी कि सॉरी ट्यूसडे को खेला जाएगा 6 दिसंबर को, और ये जो है आपको महिंदा राजपक्षे स्टेडियम हम्बनटोटा में जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग हम्बनटोटा की बात करते हैं, तो हम्बनटोटा में पिछले साल जब मैचेस देखने को मिला था तो बाकी स्टेडियम में जो है एक एवरेज ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन हम्बनटोटा आप देखोगे तो एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बैटिंग ग्राउंड की तरह बिहेव करता हुआ जो है वो नज़र आ रहा था। और यहाँ पर अगर हम लोग बात भी करते हैं तो बैट्समैन जैसे जैसे जो है बॉल पुराना होता जाता है, तो बैट्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होता जाता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बैटिंग होते हुए जो है वो नज़र आ जाता है। इसके अलावा एवरेज रन अगर हम इस ग्राउंड की बात करते हैं तो आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 172 जो है वो एवरेज रन है, और 172 रन एवरेज होना जो है एक बहुत ही अच्छा सा जो है वही एवरेज स्कोर आपको बताता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जहाँ पे भी जो 172 रन का एवरेज है, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे 180 190 के आसपास रन जो है ज़रूर बनता होगा। और मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम्बनटोटा में जो हमने पिछले 2 साल जो है वो फॉलो किए हैं, उस हिसाब से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रन बना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रॉफिट उठाया है। क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच जब भी होता है ना, तो और हाई स्कोरिंग मैच हो भी और साथ में जब चेस भी हो, तो वैसे सिनेरियो में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आपको जो है एक बहुत ही अच्छा सा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। और ये सिनेरियो जो है आपको हम्बनटोटा पे कई बार देखने को मिला है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि चलो ये तो हो गया कि ठीक है इतना प्रॉफिट मिल सकता है, तो जो लास्ट 10 मैचेज हैं उसके हिसाब से आप देखो तो आपको देखने लगेगा कि यहाँ पे 4 चेस हुआ है और 6 जो है वो डिफेंड हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देखोगे टोटल जो 26 मैचेज हुए हैं इनमें से 13 फर्स्ट जीता है, 13 सेकंड जीता है। जबकि जो सिनेरियो बनता है आप जो कि यहाँ पे देखोगे कि बहुत ऐसे तरीके से जो है वो जो सिनेरियो बना है, उस सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छा सा जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्राउंड रहा है। और हाईएस्ट भी आप देखोगे तो 219 है, और लोएस्ट स्कोर देखोगे तो 96 है। और स्कोरिंग पैटर्न आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि सिर्फ 5 स्कोर जो है वो 150 से नीचे है, और बाकी जो है इससे ऊपर है। तो आप इससे ऊपर देख सकते हो कि 190 से ऊपर 8 स्कोर, 170 से 90 के बीच में जो है वो आपको 8 स्कोर देखने मिलेगा, और 150 से 70 के बीच में भी जो है आप देखोगे तो 5 स्कोर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट का, तो टेम्परेचर जो है जैसा अभी इंडिया में है उससे थोड़ा सा अलग जरूर रहेगा, यानी कि जैसा आप मुंबई मुंबई में देखते हो 18 से 20 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है, कि हम्बनटोटा जो है वैसे भी जो है पोर्ट वाला ग्राउंड है, तो उस तरीके से हिसाब से जो है आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे चांसेस जो है बारिश के 20% के आसपास है, लेकिन हम लोग आशा करेंगे कि मैचेज जो है बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि दोनों मैचेज जो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये मैच हो ताकि हम लोग भी जो है इस मैच को इन्जॉय कर सके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि टॉस की बात करते हैं जफना की ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगा। और अगर हम टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो गैलेक की बात करते हैं तो कुशल मेंडिस जो है लीड करेंगे, और 4 ओवरसीज प्लेयर जो है अभी के लिए गैलेक लेटर में जो है वो अवेलेबल हैं, जिनके नाम जो हम अभी देखेंगे प्लेइंग 11 कौन कौन से शामिल हो सकते हैं। जफना किंग की बात करते हैं, जफना थिसेरा फेरेरा जो है वो पिछले साल भी लीड किए थे, इस साल भी जो है थिसेरा फेरेरा लीड करेंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इनमें जो अभी 5 ओवरसीज प्लेयर जो है वो रेडी है इस मैच को खेलने के लिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 को, तो आप देखोगे कि अगर हम लोग गैले की बात करें तो गैले में देखोगे तो आपको जो है निविल फर्नांडो जो है ये देखने को मिलेंगे, इफ्तिखार अहमद जो कि काफ़ी अच्छे अभी फॉर्म में है तो आप पिक कर सकते हो। इसके अलावा इमाद वसीम, कुशल मेंडिस, आजम खान, कुशल फेरारा, नवल तसेरा, लखन सदाकंद,
इसके अलावा जो है आपको निपुल मलिंगा, नवन प्रदीप और मोहम्मद हसनैन जो है आपको देखने को मिलेंगे अभी के लिए प्लेइंग 11 में। अब इसमें से फॉर्म में कौन कौन है, तो अभी हम लोग बात करते हैं, इफ्तिखार अहमद का फॉर्म बहुत अच्छा है, चाहे वर्ल्ड कप का सीनरी हो या फिर आप उससे अलग पहले देखे होगे, उससे उसके बाद जो है आपने T10 अभी देखा होगा, T10 में हम लोग फॉलो भी कर रहे थे, तो एक बहुत ही अच्छा सा जो है सीनरी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा बात करते हैं तो आप देखोगे आजम खान का फॉर्म भी जो अच्छा है, कुशल फेरेरा का फॉर्म भी जो अच्छा है, इसके अलावा जो है आपको हसनैन का फॉर्म भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, जिस तरह का जो है अभी बॉलिंग देखने को मिला, तो ये जो प्लेयर्स हैं जिनको आप पिक करके चल सकते हो अपने फैंटासी के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं जफना की तरफ से, जफना की तरफ से आप देखोगे तो इसका फर्नांडो, स्वयं मलिक, धनंजय सिल्वा, जेम्स निसम, इसके अलावा जब देखोगे तो यहाँ पे तिसेरा फेरेरा, रमनला गुरबाज, टॉम कोहलर और कैडमेयर, इसके अलावा जब महेश थिक्साना, भिनुरा फर्नांडो, इसके अलावा जो आपको दिलशान मधुशंका और असित फर्नांडो जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीनरी है ना उसके हिसाब से देखोगे तो आपको अविष्का फर्नांडो का फॉर्म अच्छा देखने को मिला अभी रिसेंट में, इसके अलावा धनंजय सिल्वा का फॉर्म भी जो है वो अभी अच्छा है, इसके अलावा जब देखोगे तो रमनला गुरबाज का फॉर्म भी जो है ठीक है, टॉम कोहलर का फॉर्म भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, T10 में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, थिक्सना का फॉर्म भी जो है काफ़ी अच्छा है, तो ये जो प्लेयर हैं जिनको जो है आप पिक करके चल सकते हो, जो कि एक अच्छा सा जो है परफॉर्मेंस आपको देते हुए नज़र आ सकते हैं, ये सीनरी जो है आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है। इसलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस का दोनों टीमों को, तो गैरे ग्लेटर जो है और जफना जो है रिसेंट जो है मैचेज ये खेले थे, ये रिसेंट इनके मैचेज देखोगे तो रिसेंट 3 मैचेज जो है ये जो है आपको दिखाई देगा कि ये जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो खेली थी, क्योंकि 3 मैचेज ये वो मैचेज थे जो कि लास्ट सीजन के लास्ट मैचेज थे, तो उनमें जो है बहुत अच्छे से इनके परफॉर्मेंस दिया था। तो अगर हम लोग गैले की बात करते हैं, रिसेंट 5 मैचेज में जो है ये 2 हारे हैं 3 जीते हैं, और उनमें से 1 मैचेज आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि एक जो है फाइनल भी जो है हारे थे। जफना की बात करते हैं तो रिसेंट 5 मैचेज में से ये 3 जीते हैं 2 हारे हैं और लास्ट का जो है फाइनल जीते हैं, तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस होगा 3 को हरा देंगे, लेकिन उससे पहले देखोगे ना तो जफना जो है वो जो गैले ग्लेटर से मैचेज था वो हार चुका था, जफना जो है 2 मैचेज हारा था इस लीग में और दोनों मैचेज जो है वो गैले से ही जो है वो हारा था। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे गैले ग्लेटर और जफना के बीच में हेड टू हेड, तो आप देखोगे कि लास्ट एडिशन के पहले जो है आपको देखने को मिला कि यहाँ पे 4 मैचेज 3 मैचेज हुए थे, जो कि 3 के 3 जो है वो जफना जीता था, और लास्ट एडिशन में देखोगे तो टोटल जो है वो 4 मैचेज हुआ था, और टोटल 4 मैचेज जो है वो दोनों के बीच में, जफना और गैले के बीच में लास्ट एडिशन में, जिसमें से जो है गैले जो है वो 3 मैचेज जो है वो हारा था, और लीग मैचेज में 2 मैचेज जो है वो हार गया था गैले से, और क्वालिफायर जो पहला हुआ था वो भी हार गया था, दूसरे क्वालिफायर में जो है वो जफना जीत के जो है वो फिर फाइनल में गया था, इसलिए जो है आपको याद रखना होगा। तो पहले जो था गैले ग्लेटर जो है काफ़ी भारी पड़ा था इस पर, ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब डीम इलेवन टीम जो है ओपन होगा तो हमने अभी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े होते जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, और साथ में आप सेशन इन जो है विनर इंट्री इंजॉय करना चाहते हो तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है आपको यहाँ जरूर जुड़ना है, साथ में आप कॉल फ्री सब्सक्राइब टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और इसके अलावा आपको किसी भी तरह का जो है फैंटासी लीग खेलना है तो यहाँ पर जो है टीम प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप स्क्वाडिंग 11 सर्च करके जो है वो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे डील्स मिल जाएंगे जहाँ से आप जुड़ सकते हो। आप चलो एक बार देख लेते हैं डीम इलेवन टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो अभी बात करते हैं हम लोग जाफना का और गैले का जो है ड्रीम इलेवन टीम का, तो अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग विकेट कीपर की बात करते हैं तो विकेट कीपर में जो है यहाँ पे जिस तरह का जो अभी प्लेयर्स हैं सब, उसमें कुशल मेंडिस, कुशल फेरेरा, इसके अलावा जो है आप गुरबाज को जो है पिक कर सकते हो, शहबाज अहमद जो है भी खेलने वाले, जिनको भी आप चाहो तो पिक कर सकते हो। बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में जो है आपको यहाँ पे इफ्तिखार को लेना है, टॉम कोहलर को लेना है, आजम खान को आप पिक सकते हो, अब इसका फर्नांडो का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा है, इसके अलावा जो है आपको धनंजय सिल्वा जो है अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको जो है पिक कर सकते हो ऑलराउंडर में, इसके अलावा जो है इमाद है तो ये भी आप पिक कर सकते हो, तो ये जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। बॉलिंग की बात करते हैं थिक्साना को लेना है, इसके अलावा जो है आप हसनैन को पिक कर सकते हो, और इसके अलावा बात करते हैं तो आप जो है नवल प्रदीप को ले सकते हो, या फिर इसके अलावा जो विनको फर्नांडो है इनको आप पिक कर सकते हो, तो ये भी जो है एक अच्छे से जो है परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देते हुए नज़र आ जाएंगे, तो आप पिक करके चल सकते हो। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है आएंगे और यहाँ पे जो है इफ्तिखार अहमद को कैप्टन बना देंगे, तो आप भी जो है एक टीम में बना के चल सकते हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी रिसेंट में जो है वो मिला है इफ्तिखार से, तो उसके हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया सा जो है परफॉर्मेंस मिला है, और जब भी एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस मिलता है तो ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि उस परफॉर्मेंस को जो है वो क्या कर सकता है, कैरी जो है वो बैट्समैन कोई भी जो है वो करके जा सकता है, तो आपको इसी के हिसाब से जो है यहाँ पे पिक करके चलना है। तो इस सिनेरियो जो है आपको हमेशा याद रखना है कि
तभी जो है ऐसा कोई सीनरी आपको मिलता है तो आप जो है पिक करके चल सकते हो। वाइस कैप्टन के तौर पे जो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो टॉम कोहलर को जो है बहुत सारे लोग बनाएंगे। धनंजय सिल्वा का जो है फॉर्म भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, थिकसाना का फॉर्म भी जो है काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग धनंजय सिल्वा को जो है बना के चलते हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करते हैं टीम प्रीव्यू तो आप यहाँ से देख सकते हो टीम प्रीव्यू। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।